हाय गाइस, तो आज हम आए हैं आपके लिए नया वीडियो लेके। आई होप कि आप सब अच्छे हैं, फिट है, हेल्दी है, हमेशा हेल्दी रहिए, हैप्पी रहिए और हमसे जुड़े रहिए। अगर आपको वीडियो मेरी वीडियोस पसंद आई या फिर कोई भी क्वेरीज या फिर कुछ होता है, मैं हमेशा अपने वीडियोस में बोलता हूँ कि अगर आपको कुछ भी क्वेरीज या कोई भी आपको चाहिए कि मैं इस टॉपिक पर आप वीडियो बनाऊँ या चाहती है कि मैं इसमें ये थोड़ा इम्प्रूवमेंट करूँ, तो आप ज़रूर बताइए। आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू। मैं हमेशा आप ही के लिए वीडियो बनाता हूँ। मेरी हमेशा यही कोशिश रहेगी कि मैं कैसे आपके काम आ पाऊँ, कैसे आपको मैं अच्छी से अच्छी इन्फॉर्मेशन जो भी मैं कलेक्ट करता हूँ या फिर डाटा जो मैं इसमें डाल रहा हूँ आपके लिए, वो आपके थोड़ा सा भी अगर काम आए तो मेरा वीडियो बनाना हमेशा सफल रहेगा। तो मेरी यही कोशिश हमेशा आपसे रहेगी। आपका कोई भी क्वेरीज हो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए, ताकि मैं उसमें और सुधार ना ला सकूँ या फिर और उसमें नए नए टॉपिक्स में ऐड कर पाऊँगा। तो चलिए गाइस, आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। आज का हम वीडियो देखेंगे कि मैं अपनी फ़ोटोज़ जो है वो कैसे मैं एडिट करता हूँ, फ़ोटोज़ वीडियोज़ कैसे मैं आपको वीडियोज़ करता हूँ। और उससे के साथ में आज हम बात करेंगे कि मैं अपने मोबाइल से सिनेमैटिक व्यू हम कैसे ले सकते हैं, ब्यूरो लेक जो बोलते हैं हम नेचर का, हम सिनेमैटिक एक मोबाइल से कैसे शूट करके काफ़ी अच्छी रिजल्ट हम इसमें ला सकते हैं। तो अब आज हम उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। मैं आपको फील्ड में भी जाके, बाहर में भी, आउटडोर में दिखाऊंगा कि मैंने कैसे कैसे हम शूट कर सकते हैं मोबाइल से सिनेमैटिक एक वीडियो, जो कि हम आपको सिखाएंगे। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जाएंगे आउटडोर शूट में, वहाँ पे हम देखेंगे कि हमने कैसे शूट किया है। तो हम बाहर आ चुके हैं गाइस, आप देख सकते हैं कि हम ओपन एरिया में आ गए। मैं अपने मोबाइल से कुछ शॉट्स लूँगा, जैसे कि हम नेचर का शॉट लेंगे, ब्यूरोल मैं अच्छे से अच्छे इसमें शॉट ले रहा हूँ। इसी शॉट को मैं एडिट करने के बाद ये फुटेज, एक सिनेमैटिक फुटेज कैसी लगेगी आप देखेंगे आगे। तो जैसे कि मेरे पास में मैं आईफोन यूज़ कर रहा हूँ, आपके पास अगर एंड्रॉयड है तो आप एंड्रॉयड से भी अच्छे से अच्छा शूट कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ उसका रेजोल्यूशन आपको 1080p पे रखना पड़ेगा और फ्रेम आपको 50p पे रखना पड़ेगा, ताकि आप अच्छे से अच्छा वीडियो शूट कर सकते हैं। तो चलिए गाइस वीडियो देखते हैं। आई होप गाइस आपने वीडियो देख लिया होगा कि हम कैसे मोबाइल से भी काफ़ी अच्छे से अच्छा रिजल्ट निकाल सकते हैं सिनेमैटिक शूट आपको अगर करना है। आपको आजकल काफ़ी ट्रेंडिंग है कि हम मोबाइल से काफ़ी काम कर लेते हैं। हर किसी के पास कैमरा अवेलेबल नहीं होता है, लेकिन एक मोबाइल है जो हम मोबाइल से काफ़ी अच्छे से अच्छे सिनेमैटिक वीडियो शूट कर सकते हैं और मोबाइल में ही एडिट कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपको PC लगेगा। अगर आपके पास PC नहीं है या लैपटॉप नहीं है, जो भी एडिटिंग का जो भी सॉफ्टवेयर, जो हाईली Adobe प्रीमियर या जो हाई प्रीमियर जो प्रीमियम जो सॉफ्टवेयर होते हैं, वो आप अफोर्ड नहीं कर सकते, तो कोई बात नहीं, हम मोबाइल में भी काफ़ी अच्छे से अच्छा रिजल्ट निकाल के आ सकते हैं। डिपेंड करता है कि आपने शूट कैसे किए और आप में स्किल्स कैसी है। तो मैं बताऊंगा कि स्किल्स आप अपना डेवलप कीजिए और मैं अपनी वीडियो में आपको काफ़ी और सिखाऊंगा कि फ़ोटोज़ कैसे एडिट करनी है, वीडियोज़ कैसे एडिट करनी है। तो आज की वीडियो में आपने आई होप कि कुछ सीखा होगा। और अगर आपको कोई भी क्वेरीज है या फिर आप चाहते हैं कि मैं और किसी और टॉपिक में वीडियो बनाऊँ, तो प्लीज़ मुझे सजेस्ट कीजिए। आई विल मेक अ वीडियो ऑन दैट टॉपिक, वॉट एवर द टॉपिक यू विल बी टेलिंग टू मी। तो मिलते हैं गाइस अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो थोड़ा भी इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। बाय गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में।